केबल कनेक्शन में कोई गड़बड़ है। ना तो टीवी खराब हुआ है और ना केबल कनेक्शन में कोई गड़बड़ है। तो इसमें मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा? आएगा भी नहीं। क्यों भला? वो इसलिए कि मैंने केबल कनेक्शन कटवा दिया। क्या? अरे तू तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैंने तेरा खाना पीना बंद करवा दिया हो। अरे सासू माँ, मेरा खाना पीना बंद करवा दिया होता तो ठीक होता, पर केबल कनेक्शन के बिना तो मेरा सांस लेना भी दुश्वार है। तो मत ले सांस, लेकिन आज से इस घर में केबल बंद, सौ बंद। अगर तुझे कुछ ज्यादा ही देखना है तो पड़ोसियों के घर में जाकर सास बहू का झगड़ा देख ले, लाइव का लाइव और एंटरटेनमेंट सो अलग। कंजूस कहीं की। पर सासू मां, आपने केबल कनेक्शन क्यों कटवा दिया? सुबह के नाश्ते से लेकर रात के सोने तक टीवी की इतनी हैबिट पड़ गई थी, अब तो जिंदगी कितनी मुहाल सी लग रही है, कितना सूना सूना लग रहा है सब। और टीवी के चक्कर में जो तुम घर के सारे काम अवॉइड करती हो उसका क्या? अरे सारा दिन आलू की बोरी की तरह सोफे पर पसर कर कुछ ना कुछ खाकर जुगाली करती रहती हो और बिटर बिटर आंखों से टीवी को देखती रहती हो। और कोई लाइफ नहीं है क्या? पर सासू माँ, आज मेरा मनपसंद रसोई का शो भी आना था उस पर। अच्छा, तो रसोई शो देखकर मेन साहब ने खाना बनाना था? अरे बुद्धू, ये लोग होटल से बना बनाया खाना लाकर तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और तुम बेवकूफ बन जाते हो। खाना बनाना तो मुझसे सीख, मेरे तजुर्बे का फायदा उठा बहू। पागल हूँ ना मैं? मेरा प्रोग्राम बनो सब्रो भी आना था आज और मैंने उससे ब्यूटी टिप्स लेने थे। अरे जब टीवी नहीं था तब हम सुंदर नहीं लगती थी क्या? देख तो आज भी मोहल्ले से जहाँ से निकल जाऊँ ना, लोग मुझे देखकर दिल थाम लेते हैं। सासु माँ, वो दिल नहीं थामते हैं, वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया किस लिए? वो इसलिए कि आप उन्हें नहीं मिली, वरना उनकी जिंदगी जहन्नम बन जाती। जहन्नम! जुबान को लगाम दे। पर सासु माँ, मुझे हॉरर शो भी देखना था। अगर हॉरर शो देखे बगैर मैं सो जाऊंगी तो मुझे नींद में डरावने डरावने सपने आएंगे। अरे लोगों को तो हॉरर शो देखकर डरावने सपने आते हैं और डर लगता है, यहाँ तो ना देखकर डर लगता है। लोगों को रात को नींद नहीं आती डर के मारे, और इसे बिना देखे नींद नहीं आती। बहू तुझे हॉरर शो ही देखना है ना, तो तू बिना टीवी के भी देख सकती है। हाय सासू माँ, सच्ची? कैसे? हाँ, अपने कमरे में जाकर आईना देख ले। क्या सासू माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कम से कम केबल था तो हमें देश विदेश के समाचार तो पता लग जाते थे, अब हमें न्यूज कैसे पता लगेगी? इसके लिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी वो संतो खबरी है ना, जिसके पास पूरे मोहल्ले की खबरें रहती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किस सास ने बहू को पीटा, किसकी बेटी किसके बेटे के साथ घूम रही है, या उनका आपस में क्या चक्कर है, सास बहू की रोज झगड़े, पूरी कहानियां किससे वो बिना कुछ लिए दिए ब्रॉडकास्ट कर देती है। सासू माँ, इसका मतलब हमारे घर की लाइव डॉक्यूमेंट्री भी इस वक्त किसी ना किसी के घर में चल रही होगी, है ना? इसीलिए तो तुझे कहती हूँ कि मुंह बंद करके बात किया कर, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं।